हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। आई एम गुलाब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी माउंटेड अ स्केथिंग अटैक ऑन द कांग्रेस, अक्यूजिंग इट ऑफ पॉलिटिकल ऑपर्चुनिज्म एंड डिस्क्राइबिंग इट एज अ सिंकिंग शिप। वो बंगाल में चुनाव लड़ने गए, कैसे भी करके अपने आप को बचाना है, पार्टी बच जाए, इज्जत बच जाए, बंगाल में गए, कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता कर दिया। जिस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस को 50 साल से लगातार राजनीतिक लड़ाई चलती रही, लेकिन सत्ता भूख ऐसी थी कि वहां जाकर के बैठ गए उनके साथ, और उन्होंने जो टुकड़ा फेंका, ठीक है भाई इतना सही, हमें संभाल लो, बचाओ हमें बचाओ। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, उनकी पार्टी महीनों तक गांव गांव रथ लेकर के चलती रही, यात्रा निकाली, और समाजवादी पार्टी को जितना कोसा जा सकते हैं कोसा, समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ जितना बोल सकते हैं बोला, भीड़ को उत्तेजित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करना पड़े किया, लेकिन उन्होंने देखा कि जनता तो स्वीकार नहीं कर रही है, ये परिवार में फूट पड़ गई है, बीच में अगर घुस सकते हैं तो घुस जाओ, वो उन्होंने अपनी मुंडी वहां मार ली। कोई उसूल नहीं, कोई नियम नहीं। भाइयों बहनों, सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी खुद को बचाने के लिए आज चुनाव के अंदर कैसे भी करके कुछ दे दो, इस हाल से गुजर रही है। जो नाव डूब चुकी है, जिस नाव में कुछ बचा नहीं है, क्या पंजाब के लोग ऐसी नाव में कदम रखने की सोचेंगे भी क्या? क्या ऐसी डूबने वाली नाव पंजाब को पार करा सकती है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, ये कांग्रेस एक इतिहास है, कांग्रेस एक बीती हुई बात है, कांग्रेस वो आखिरी सांस पे अपना गुजारा करने वाला दल है, उससे कुछ होने वाला नहीं। Which people should not vote because it is not going to take them anywhere. Addressing a rally in Jalandhar, Modi sought support for Prakash Singh Badal of the ruling SAD, urging people to vote the chief minister in for a third straight term. Ever since I was in charge of Punjab affairs and chief minister of Gujarat, Badal Sahib has held my hand and guided me. Whenever he meets me, he only discusses issues of Punjab's farmers and the poor, he said. Taking a swipe at Congress leader Rahul Gandhi, who raked up the issue of drug menace in the state at a rally in Majitha, the Prime Minister said, some people who have no political issue to raise are tarnishing the image of Punjab and discrediting its youth. He said, Punjabi pride had been hurt by such statements and the polls will be the best response. Punjab Assembly elections will be held on February 4. That's all for now. For more news and updates, don't forget to subscribe to One India News YouTube channel.